एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इवनिंग हो रही है, विधान का ये प्ले टाइम होता है, तो अब हम लोगों ने नीचे आना स्टार्ट कर दिया है। शाम को यूजुअली मैं ले ही आती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जिद करता है। तो विधान जा रहा है अपना, नीचे आते हुए ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। विधान धीरे, अभी ना पता है सारी एमिनिटीज़ ना बंद है, मतलब सोसाइटी में लोग नीचे वॉक करते हैं लेकिन सब कुछ बंद है। जैसे यहाँ पर ये फाउंटेन एरिया है यहाँ पर ना, तो इन्होंने ये सब हटा दिया है, पानी इसमें नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, उसे उसको सफाई की प्रॉब्लम होती है, हाउसकीपिंग ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये हटा दिया है। और जो मेरे पीछे है ना, ये बच्चों का स्विमिंग पूल है और पीछे बच्चों का प्ले एरिया है, तो स्विमिंग पूल का पानी भी हटा दिया है और प्ले एरिया तो ऑलरेडी बंद है ही। तो यार ठीक है, लेकिन हाँ नीचे को वॉक करने को मिल रहा है, मेरे लिए तो यही बहुत है। रिधान साइकिल लेकर आ जाता है नीचे, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कौन सा फ्लावर? इसको ना फ्लावर्स का ना कुछ इसे इकट्ठा करने का शौक है यहाँ पे। नहीं, हम लोग ना नीचे थे और रिधान साइकिल चला रहा था, फिर उसके मामू का फ़ोन आ गया कि हम लोग ना तेरे गेट पर है। मेरे जो भैया भाभी हैं ना, वो पास ही रहते हैं, यहाँ से 500 मीटर्स पे रहते हैं भैया भाभी। तो आए नहीं थे यार, मतलब बहुत टाइम से हम लोग मिले नहीं थे, तो वो लोग ऐसे आ गए थे और फिर बस ऊपर आ गए थे, इसलिए ज़्यादा वॉक नहीं कर पाई मैं। और रिधान आते ही सो गया क्योंकि वो सोया नहीं था। और पीछे कुछ दिखाना है आपको, कुछ फ़ोटो फ्रेम्स हैं, नए फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ पास से। ये फ़ोटो फ्रेम्स ना आपने काफ़ी दिनों से ना खाली देखे होंगे, तो मतलब यार कई महीने हो गए थे मैं इस फ़ोटोग्राफ्स लगभग प्रिंट आउट हो ही नहीं पा रहे थे, तो फाइनली प्रिंट आउट निकल के आ गए हैं। बहुत देर पास से दिखाती हूँ, ये वाला फ़ोटोग्राफ ना, पीछे रोशनी पड़ रही है, ये वाला फ़ोटोग्राफ ये है हमारे इस घर के ना गृह प्रवेश का। और रिधान तब 5 and a half months का था, तो उसने कन्हैया वाली ड्रेस पहनी हुई है। तो उसी दिन उसका ना अन्नप्रशासन भी था और इस घर का गृह प्रवेश भी था, यहीं का है, इसी एरिया का है जहाँ पर ये लगा हुआ है ना, क्योंकि आप पीछे की बालकनी देख सकते हैं, ये वाली बालकनी है, ये यहीं का है, ये वाला यहीं पर खड़े थे हम। और गृह प्रवेश और अन्नप्रशासन उसी दिन हुआ था। सेकेंड पिक है रिधान के फर्स्ट बर्थडे की, जो हम गए थे मालदीव्स उसके फर्स्ट बर्थडे पे। देखिए ना कितना छोटू सा क्यूट सा है रिधान, और बहुत खूबसूरत है मालदीव्स ना, बहुत ब्यूटीफुल है। और ये है सबसे अच्छी पिक, सबसे अच्छी पिक ना जो यहाँ पर अच्छी लग रही है ना, वो ये वाली, क्योंकि इसमें ना बहुत सीनिक ब्यूटी भी आ रही है। देखिए ना, मतलब समुंदर है, बोट है, पीछे एकदम ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स और ब्लू ब्लू पानी, इतनी मतलब कितना प्यारा सीनिक, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फोटोग्राफ ना होकर कोई सीनरी होगी। पीछे देखिए एक पेड़ है, खजूर का ट्री है पीछे, और रिधान का पोस्ट, ये कितना खूबसूरत है नॉटी बॉय। तो ये बहुत मुझे सबसे अच्छी लगती है वाली पिक। तो दुबई की पिक्चर्स ना मैं आजकल डाल रही हूँ, मुझे बहुत याद आ रहा है दुबई। तो ये हैं कुछ फ़ोटो फ्रेम, लॉकडाउन में इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में खुशियाँ ढूंढ रही हूँ यार। तो बस यार मूड थोड़ा सा अपसेट है, बताऊँगी आपको क्यों। और अभी बनाने जा रही हूँ वेज मंचूरियन डिनर में। काफ़ी कुछ मेरे पास में है नहीं, काफ़ी इंग्रेडिएंट्स नहीं है मेरे पास में, मतलब जैसे मेरे पास में शिमला मिर्च नहीं है और स्प्रिंग अनियन नहीं है, कैरेट नहीं है, बट ठीक है जितना है जो है उसी से बनाती हूँ वेज मंचूरियन। और प्रॉपर शेयर नहीं कर पाऊँगी रेसिपी, बट ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने ये कद्दूकस कर लिया था, ये जो बंद गोभी होती है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। और इसमें सारे मसाले से नमक, गरम मसाला, धनिया, और ये है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैं 2 to 3 चम्मच ले रही हूँ, और इसी के साथ में मैं ऐड करूँगी इसमें 2 to 3 चम्मच के करीब मैदा। तो इन सब को मिक्स कर दूँगी। और इससे पहले मैंने ना इसको अच्छे से नमक ला के छोड़ दिया था पत्ता गोभी को, और उसमें से पानी निकाल लिया था। तो कम से कम उसके 15-20 मिनट की बात की है ये। अब इसमें सारे मसाले मैंने मिक्स करके इसकी बॉल्स जैसे बना देंगे। हाँ, इसमें मैंने सोया सॉस भी ऐड की थी, तो ये करीब 10 के करीब बनी होंगी, 10 to 12 के करीब ये बॉल्स बन गई थी। और इसी के साथ मैंने ये गरम भी
तेल रख दिया था गरम, इसको अब मैं डीप फ्राई कर रही हूँ सारी बॉल्स को। तो दो बैचेस में मैंने फ्राई किया था, क्योंकि मेरी ये वाली जो कढ़ाई है ना, ये बहुत छोटी कढ़ाई है, शायद ये 20 सेंटीमीटर की कढ़ाई है, छोटी कढ़ाई है, आपको कैमरे में नहीं दिखती होगी। तो ये मैंने फ्राई करने के लिए ही ऑर्डर की थी। जितनी बड़ी कढ़ाई होती है उतना ज़्यादा तेल लगता है, तो इसलिए छोटी कढ़ाई ही ले रखती हूँ मैं फ्राई करने के लिए। ठीक है, 2 से 3 बैचेस में फ्राई हो जाता है। तो ये बस ये सेकंड बैच है जिसको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, और हो गए थे अच्छे से, अच्छे से, बहुत अच्छे से हो गए थे यार। मतलब दिल में एक आध तो ऐसा मन करता है ना कि ऐसे ही खा लो उठा के। और यहाँ पर मेरे पास में ना काफ़ी वेजीज नहीं थी, जैसे शिमला मिर्च या कैरेट वो सब नहीं था, स्प्रिंग अनियन ये सब नहीं था। तो बस ये प्याज और लहसुन है, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, और ये फ्राई होने के बाद में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये चिली सॉस। सॉस वगैरह मेरे पास सभी थी, चिली सॉस और सोया सॉस और टमाटो सॉस, तो ये सब ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर दूँगी। और थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, क्योंकि मैं रात को डिनर के लिए बना रही थी ना, तो थोड़ा सा ग्रेवी वाली बनाई थी मैंने। और इसको अच्छे से जब फ्राई होने के बाद में मैंने पानी ऐड किया था, और पानी ऐड करने के बाद में मैंने इसमें जो भी बॉल्स थे ना वो ऐड कर दिए थे। तो बिना उसके भी ना, बिना शिमला मिर्च स्प्रिंग अनियन के भी ना, बहुत अच्छा बना था। अपनी खुद ही तो खाना था यार, बहुत अच्छा बना था। किसी दिन प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी। इन 4 दिनों से कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़, ऐसी बातें आ रही हैं जैसे ना थोड़ा सा हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं हम सभी। मतलब पहले सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की न्यूज़, वो न्यूज़ ऐसी थी ना कि जो हम लोग आपस में, मतलब एक नॉर्मल बंदा, नॉर्मल इंसान अपने सपने जी रहा था, अपने आप को कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो पाया उससे। बहुत सारी बातें आ रही हैं, मतलब बोल रहे हैं कि वो सिस्टम के अगेंस्ट में खड़े होने की कोशिश कर रहा था, बहुत इंडस्ट्री के लोगों से लड़ रहा था वो, उसके हाथ से 6 फिल्में जा चुकी थी, क्यों? क्योंकि वो उस फैमिली, उस इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करता था, वो आउट कहीं बाहर से आया था, नहीं हो पाया, सुसाइड कर लिया। एक और न्यूज़ आई, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं फ्लाइंग वीस्ट गौरव तनेजा, उन्होंने अपनी जो एयरलाइन है उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स उन्होंने रेज़ किए हैं, और उसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप, मतलब आप जो बंदा सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं खड़ा हो पाया उसने सुसाइड कर लिया, जो खड़ा हुआ उसको सस्पेंड कर दिया। मेरे साथ भी, मेरी भी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ चल रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैं रिलीज़ होने वाली हूँ, मैं अपने लिए प्रोजेक्ट्स देख रही हूँ, इस मई से जून एंड तक मैं रिलीज़ हो जाऊँगी और मैं अपने लिए प्रोजेक्ट देख रही हूँ। तो बेंगलोर लोकेशन में उनके लिए, उनके पास में प्रोजेक्ट नहीं है जो वो लोग, जो मेरी स्किल्स से मैच करे। स्किल्स का मतलब होता है कि जो जो जिस टाइम में मैं काम करती हूँ, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है, जिसकी मुझे नॉलेज है, उस चीज़ से रिलेटेड उनके पास में बेंगलोर में प्रोजेक्ट नहीं है। तो वो लोग मुझे किसी दूसरे लोकेशन का प्रोजेक्ट दे रहे हैं बेंगलोर से बाहर का। मेरा पूरा एक इंटरव्यू हुआ, एक लेवल का पूरा इंटरव्यू हुआ। तो मतलब ऐसे ही हम किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो हमें इंटरव्यू देना पड़ता है, ऐसे नहीं कि हम, हमारे पास एक्सपीरियंस हो तो हमें कोई सा भी प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो मैंने इंटरव्यू लिया, जब आधा पौन घंटा का इंटरव्यू चला तब तो जाकर उस बंदे ने मुझे बताया कि ये बेंगलोर का प्रोजेक्ट नहीं है, हमें क्लाइंट लोकेशन पे काम करना पड़ेगा, और जो क्लाइंट है वो हैदराबाद का है, मतलब दूसरे सिटी का है। उस टाइम पे मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, मुझ तो मेरा 3 साल का बच्चा है, मैं अपने घर छोड़ के, वो भी ऐसे सिचुएशन में, कोरोना वायरस के टाइम में, जहाँ पर आपको कम से मिनिमाइज करना है अपना कहीं भी आना जाना, मुझे बोला जा रहा है कि आप ट्रैवल करो, आप ट्रैवल के मतलब आप पूरी तरीके से रिलोकेट हो जाओ, मैं नहीं कर सकती हूँ वो चीज़। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो, मतलब उनका सीधा धमकी थी, या तो आप ये प्रोजेक्ट लो, या तो आप ऐसा रिलोकेट हो, या फिर बेंगलोर में प्रोजेक्ट नहीं है आपके स्किल के अकॉर्डिंग तो कंपनी आपको, आप ये अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकती है, मतलब वो आपको निकाल भी सकती है, सिर्फ कुछ भी नहीं। तो उसने कहा था आप HR से बात करना। फिर HR का फ़ोन आया मेरे पास में, तो उसको मैंने बोला, तो उसने मुझे बोला कि ऐसा है, अभी हमारे पास में बेंगलोर में आपके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हैदराबाद में कोई प्रोजेक्ट है,
तो आप वहाँ पर रिलोकेट, मतलब अगर आपका क्लाइंट पूछेगा तो अभी आप हाँ बोल दो कि हाँ मैं रिलोकेट हो जाऊँगी, लेकिन कोई अभी आपको नहीं बोलने वाला है रिलोकेट होने के लिए। आपको कोई बोलेगा तो ये बोलना कि आप बाद में रिलोकेट होंगे। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप अभी उनको हाँ बोल दो, और उसके बाद में अभी कोई नहीं बोलने वाला है आपको रिलोकेट होने के लिए, कि अभी हाँ बोल दो, हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है। और हम सही बात है, कंपनी क्यों आपको बेंच में बैठा कर अपने फालतू का पैसा देगी अगर आप कुछ उनके लिए कोई बिजनेस नहीं ला रहे हैं। तो बस ये है, अभी तो उन्होंने मुझे कहा है कि हाँ बोल दो इस प्रोजेक्ट के लिए, मुझे कोई रिलोकेट करने के लिए नहीं बोलेगा। तो ये लाइफ के इतने बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, इतना आसान नहीं होता यार रिलोकेट होना। 3 साल का बच्चा छोड़ के, अपना घर, अपना परिवार, अपना पति छोड़ के मैं एक इस तरह से रिलोकेट हो जाऊँ। जॉब, हाँ मुझे जॉब, ऐसा नहीं है कि हम अगर हम में से किसी एक की जॉब जाएगी तो हमारे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम में से एक की जॉब सफिशिएंट होती है घर चलाने के लिए, लेकिन हाँ ये होता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है लिविंग स्टाइल में, आपके लाइफ स्टाइल में बहुत फ़र्क पड़ जाता है अगर हम में से कोई एक वर्किंग नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उस तरह से अपना लाइफ स्टाइल बना के रखा हुआ है। फ़िलहाल जो भी हमारा घर का बजट है वो मेरे हस्बैंड की सैलरी से चलता है, मैं कभी कभार यूं ही कुछ खरीद लिया टाइप ऐसा होता है मेरे साथ में। तो जॉब देखा जाएगा, उसके बाद की बात है। फिलहाल तो मुझे ये कहा गया कि आपको रिलोकेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर होगा तो हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी आप क्लाइंट को हाँ बोल दो कि आप रिलोकेट होने के लिए तैयार हो, ऐसा कुछ आपके साथ में होगा नहीं। देखती हूँ क्या होता है, अब आप लोगों को अपडेट करूँगी। तो ये या उन और लोगों के स्ट्रगल देख रही थी, सुशांत सिंह का स्ट्रगल, गौरव तनेजा का स्ट्रगल, और हाँ चाइना के साथ में फिर से कुछ वॉर, मतलब चाइना के साथ बॉर्डर में फिर से हमारे जो 20 soldiers है, 20 सैनिक वो फिर से शहीद हुए हैं। ये सब चीज़ें ना बहुत मन को दुखी करती हैं। आई होप उनके परिवार वाले उनको स्ट्रेंथ दे ईश्वर। तो चलिए यार, इस व्लॉग को मैं इसी प्रे के साथ में ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ, और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।